नमस्कार दोस्तों आज का जो इंपॉर्टेंट लीगल करंट अपडेट है वो ये है सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिस टू पतंजलि आयुर्वेद कंपनी लेड बाय बाबा रामदेव एंड आचार्य बालकृष्ण मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर इश्यू किया है कंटेम्प्ट नोटिस इसी ऑर्डर के बारे में डिटेल में जानेंगे और इसके साथ साथ हम उस लॉ के बारे में भी जानेंगे वी विल डील विद द लॉ ऑन द पॉइंट जो है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 जिस कानून के अंदर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बैन है इस तरह की जो मेडिसिन से रिलेटेड है हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज स्ट्रिक्टली लॉ चैनल वेयर स्टूडेंट्स आर मेंटर्ड फॉर जुडिशरी एंड लॉ एग्जाम्स वी विल बी फोकस टूवर्ड्स द कोर्ट ऑब्जर्वेशन कोर्ट ऑर्डर एज वेल एज लॉ ऑन द पॉइंट अगर आप इस टॉपिक के बारे में पॉलिटिकल बातें ना करके इधर उधर की बातें ना करके सिर्फ लॉ पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अदरवाइज आप इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट हैज इश्यूड नोटिस टू पतंजलि आयुर्वेद फॉर मिसलीडिंग एड्स एंड हैज आल्सो इम्पोज इमीजिएट बैन ऑन सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्रोपाउंडेड और प्रोलिफरेटेड बाय द पतंजलि आयुर्वेद कंपनी क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया क्यों कुछ तरह की एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगाया इसी के बारे में ये डिटेल ऑर्डर है और नोटिस इश्यू किया है अगेंस्ट दी पतंजलि आयुर्वेद कंपनी एज वेल एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण अब देखिए इस केस की शुरुआत अभी नहीं हो रही है 2022 के अंदर भी आईएमए ने आईएमए ने जो अपील फाइल की थी उस केस की रिट पटीशन ऑलरेडी फाइल की हुई थी और यह बोला गया था कि द वेरियस क्लेम्स प्रोबाउंडेड बाय द पतंजलि आयुर्वेद कंपनी इन इट्स एडवर्टाइजमेंट दैट इट प्रोवाइड परमानेंट रिलीफ टू सर्टेन काइंड ऑफ डिसीज एंड मोर ओवर एलोपैथी बेकार है और दूसरे मेडिसिन बेकार है यही प्रोडक्ट अच्छा है और सर्टेन काइंड ऑफ अदर एडवर्टाइजमेंट वर ऑल्सो डाउन और अवेलेबल मेड पब्लिक बाई द कंपनी विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द स्कोप ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर अगस्त दो हजार बाईस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को यह हिदायत दी थी कि आप इस तरह की भ्रामक एडवर्टाइजमेंट ना निकाले और नवंबर दो हजार तेईस के अंदर भी कोर्ट ने रेस्ट्रेन किया था यू शुड नॉट मेड दीज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट मगर कोर्ट के नोटिस से अगले ही दिन कोर्ट के ऑर्डर के अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जहां पर कंसर्ण एम डी ऑफ द कंपनी एंड द अदर डिग्नेटरीज मेड द सेम क्लेम इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी की एवज में ये आज का मैटर है पतंजलि जो नवंबर 2023 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ था वो यह था कि पतंजलि को इस तरीके की भ्रामक मिसलीडिंग एड्स नहीं निकालनी है बट इन स्पाइट ऑफ दैट ऑर्डर पतंजलि कंटिन्यूड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट आफ्टर प्रोमिसिंग टू स्टॉप तेईस नवंबर 2023 के ऑर्डर में यह बोल दिया था कोर्ट को कमिट कर दिया था कि वी विल स्टॉप दीज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट बट उससे अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेम चीज क्लेम की जाती है जो कोर्ट ऑर्डर के अंदर मना की गई थी देन फाइनली इन दिस ऑर्डर विच बीन पासड रिसेंटली बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिस टू पतंजलि एंड एम डी टू शोकॉस फॉर द कंटेम्प्ट वाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट द पतंजलि आयुर्वेद कंपनी एज वेल एस इज मैनेजिंग डायरेक्टर अंडर द द ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर एज वेल एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी ये कहता है कि आप कंज्यूमर के सामने फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इस ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैज रेस्ट्रिक्टेड पतंजलि फ्रॉम एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट अंदर दी स्क्रूटनी जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको बैन किया गया है वो कौन से हैं? जिन जो कैटेगरी के, के अंदर आते हैं कौन सी कैटेगरी के, के अंदर जो है आ, जो आपके लॉ के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं कौन सा लॉ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट इसके जो प्रोविजन है कौन से प्रोविजन के अंदर कौन से प्रोविजन को इनवोक किया गया है वो भी आपको इसी लेक्चर के अंदर पता चलेगा क्या कंपनी के केस के अंदर किस तरीके की पनिशमेंट मिल सकती है क्या पेनल्टी लग सकती है ऑफेंस किस नेचर के हैं उन हम लीगल प्रोविजंस को भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर देखिए बेसिकली जो इस केस के अंदर है मिसलीडिंग क्लेम्स के खिलाफ एलिगेशन लगाई गई थी और जो मैंने आपको बताया नवंबर 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और बोला था कि आप इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट को रोकिए मगर उससे अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया जाता है कि जो मेडिसिन है या जो हमारा प्रोडक्ट है वो परमानेंट रिलीफ देता है परमानेंट ली क्योर्स दी सर्टेन काइंड ऑफ इलनेसेस जो कोर्ट के सामने इशू आया वो परमानेंट रिलीफ के ऊपर भी आया कि आप ये कैसे कह सकते हो कि आपका प्रोडक्ट परमानेंट रिलीफ दे सकता है सर्टेन काइंड ऑफ डिसीज के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट एविडेंस इसके अलावा जो सिविल रिट पिटीशन फाइल करते टाइम आई एम ए ने डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट की कॉपी लगाई चाहे वो हिंदू न्यूज पेपर के अंदर हो या फिर यूट्यूब पर पतंजलि आयुर्वेद द्वारा दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसको एज अ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के सामने कि ये तो कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना कर रहे हैं दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग फॉल्स क्लेम्स ऐसा मैं नहीं कह रहा ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है आपको इस ऑर्डर की कॉपी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी मिल जाएगी ठीक है तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा लीगल क्वेश्चनिंग कोर्ट क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट पतंजलि काउंसिल से क्लेम किया कि आप क्यों दूसरे मेडिकल सिस्टम्स हैं उनके उनके खिलाफ या उनके या अगेंस्ट उनकी रेपुटेशन को कम करते हुए क्यों स्टेटमेंट देते हैं वो जरूरी नहीं है उनको आप उनके खिलाफ आप नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं अब जहां तक इस केस की बात है केस का नाम है आई एम ए वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया गया है रीजन बींग कि 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 2023 के अंदर ऑर्डर आया और सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया देखिए लॉ को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है सरकार की तो सरकार के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्टर्न स्टेटमेंट पास की है वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है द होल कंट्री वॉज टेकन राइट फॉर अ इयर्स और आपने कुछ नहीं किया ये बात तक बोली है सरकार को आई एम एस टू नेगेटिव एड्स अगेंस्ट वैक्सीनेशन एंड मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी या फिर मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ जो पतंजलि नेगेटिव एड्स कर रहा था कि एलोपैथी ने सब कुछ खराब कर दिया है ये सारी चीजें हैं इन चीजों को रोका जाए और जो अपना प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि परमानेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है मगर उसमें कोई सत्यता नहीं है इन सारी एड्स को कंप्लीटली रोका जाए बिकॉज दे आर वायटिव ऑफ लॉ कोर्ट इंक्वायर्स अबाउट गवर्नमेंट एक्शन सरकार से भी पूछा कि आपने क्या एक्शन लिया है 2022 के अंदर ऑर्डर हमने पास किया 2023 के अंदर हमने ऑर्डर पास किया फिर भी उसके बाद वो एड चलती रही है वट एक्शन यू हैव टेकन बींग लॉ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो आई एम ए ने इस केस के अंदर चैलेंज किया मिसेशन स्प्रेड बाई दतंजलिदी है जो उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर स्प्रेड की है उसको क्वेश्चन करते हुए यह पेटिशन फाइल की गई थी एलोपैथी का जो बुराई की गई है डिस्पैरजमेंट की गई है उसको क्वेश्चन करते हुए पटिशन फाइल की गई थी अब देखिए कोर्ट की ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिकली आपको दिखा रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट कि सरकार ने क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल को यह बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द एंटायर कंट्री इज टेकन फॉर अ राइड यू वेट फॉर टू इयर्स वेन द एक्ट दिस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज प्रोहिबिटेड कोर्ट ने यह बोला कि जब कानून साफ साफ तौर पर यह कह रहा है कि इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट जो मिसलीडिंग इनफर एडवर्टाइजमेंट है जो झूठा क्लेम करते हैं कि हम परमानेंट रिलीफ दे देंगे बीमारियों से चाहे डायबिटीज हो सोराइसिस हो सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जब कानून के अंदर वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है तो कैसे ये एडवर्टाइजमेंट आ सकती हैं? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया दो दा दो साल तक आपने आंखें मूंद कर क्यों रखी ये बात बोली है जस्टिस अमानुल्लाह ने और जो ये कोर्ट ऑर्डर आया है जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्ला की पीठ का यह ऑर्डर है इस पर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से थे के एम नटराज उन्होंने क्या बोला कि भाई उन्होंने ये तो एग्री किया कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट स्टॉप होनी चाहिए मगर इनको रोकने का जो ब्लेम था वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया क्या बोला कि वाइल एग्री दैट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट बी

अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि दो हफ्ते के अंदर दो वीक्स का टाइम दिया है नेक्स्ट ईयरिंग के लिए दो वीक्स के अंदर आप एफिडेविट फाइल करके बताइए कि आपने क्या क्या एक्शन लिए। स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स रहा है कोर्ट का कोर्ट जस्टिस अमानुल्ला इवन रेब्यूक्ड पतंजलि कंपनी फॉर मिसलीडिंग क्लेम्स एंड द कोर्ट हैज वॉन्ड ऑफ स्ट्रिक्ट ऑर्डर अगेंस्ट फ्लाउटिंग दी कोर्ट्स डायरेक्टिव कोर्ट ने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार आप वायलेट करके दिखाइए हमारे आज के ऑर्डर को बहुत ही तगड़ा एक्शन लेने वाले हैं पहले तो अभी के अभी अपनी जो ये रिस्पेक्टिव एड्स एड्स है है मिसलीडिंग इनको बैन कीजिए इनको बंद कीजिए इनको दिखाना बंद कीजिए आप किसी भी माध्यम से दिखा रहे हैं एंड द कोर्ट हैज इम्पोज इमीजिएट बैन ऑन पतंजलि एडवरटाइजमेंट रिलेटिंग टू डिस इन दी नाइनटीन फिफ्टी फोर एक्ट बैन इम्पोज कर दिया है पतंजलि की एडवर्टाइजमेंट पर रिलेटिंग टू इन दी एक्ट अब हम कानून के बारे में बात करेंगे उससे पहले कुछ जो पतंजलि आयुर्वेद कंपनी का जो स्टांस रहा कोर्ट के सामने उसके बारे में ये है कि डिफेंस ने ये मेंशन किया कि बाबा रामदेव इज एस्यान ऑन दैट केस ऑन दैट मैटर ऑन दैट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट है स्टेटस ऑफ

आई ने जो डिफेंस ने बोला कि हमारा जो दवाइयां है या जो सो सोल्ड प्रोडक्ट है वो परमानेंट रिलीफ देता है परमानेंट छुटकारा देता है बड़ी बड़ी बीमारियों से ये आउटरेजियस है इसके अंदर कोई भी सत्यता नहीं है ये आई की तरफ से कहा गया अगर आप बताइए आपको आज का वीडियो अभी तक कैसा लगा अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना जरूर आगे चलिए कोर्ट ने और क्या ऑब्जर्वेशन दी ऑल सच फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ पतंजलि आयुर्वेद हैव टू स्टॉप इमीजिएटली जितनी भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उनको अभी के अभी रोक दीजिए ऑर्डर दे दिया द कोर्ट विल टेक एनी सच इन्फ्रेक्शन वेरी सीरियसली अगर आज के इस ऑर्डर का जो कोर्ट ने दिया है इस ऑर्डर का वायलेशन हुआ तो बहुत तगड़े परिणाम हो सकते हैं ट वांड ऑफ सीरियस एक्शन अगेंस्ट द कोर्ट विम्पोजिंग टू एक्सटेंट ऑफ रुपीजन एवरी प्रोडक्ट रिगार्डिंग विच अस क्लेम इज मेड दैट इट कैन क्योर अ पर्टिकुलर डिसीज इमीजिएट बैन एडवर्टाइजमेंट पर लगाया मगर यह बोला कि अगर आज के इस ऑर्डर का प्लाउटिंग हुआ या इसका वॉयलेसन हुआ तो कोर्ट स्टर्न एक्शन लेगी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और वो क्या है कि आपके हर ऐसे प्रोडक्ट जो फॉल्स क्लेम करता है जिसके बारे में आपने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जारी रखी हर प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम एक करोड़ रुपए का फाइन लगाया जा सकता है एक करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 के अंदर इसको बैन किया गया है एडवर्टाइजमेंट्स को और इसके साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी हवाला लिया कि आप कंज्यूमर के साथ धोखा नहीं कर सकते उसको साफ साफ इंफॉर्मेशन देंगे मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ए की मॉनिटरिंग की बात की गई है और आई एम ने लीगल एक्शन मांगा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी अब देखिए हम बात कर रहे हैं कानून की कानून कौन सा है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट नाइन फिफ्टी फोर इसके प्रोविजन को डिस्कस करते हैं से प्रोविजन को इन्वोक किया गया है जहां पर यह बताया गया है कि अगर कोई कंपनी इस तरीके की कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है तो उसके वो एक अपराध होगा वो प्रोहिबिटेड है और ऑफेंस भी है सेक्शन फोर क्या कहता है प्रोहिबिशन सेक्शन फोर किसका

section 4 reads as prohibition of misleading advertisement relating to drugs subject to the provisions of this act no person shall take any part in the publication of any advertisement relating to a drug if the advertisement contain any matter which directly or indirectly gives a false impression regarding the true character of the drug makes a false claim for the drugs और इज अदरवाइज फॉल्स और मिसरीडिंग इन एनी मेटीरियल पर्टिकुलर देखिए कोर्ट के ऑर्डर से आपको कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया है कि जो पतंजलि आयुर्वेद 100% परसेंट क्योर के जो क्लेम करता है वो कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं कि वो फॉल्स क्लेम है सत्यता नहीं है वैसे भी आपने न्यूज पढ़ी होगी कि बहुत सारे प्रोडक्ट जब इंस्पेक्शन हुआ या जब उनकी जांच की गई तो वो प्रोडक्ट फेल मिले हैं ठीक है थीके? तो उसी के ऊपर है कि जो ये फॉल्स क्लेम्स है ये हटने चाहिए ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट बैन होनी चाहिए उसी के ऊपर ये सेक्शन फोर है सेक्शन फोर कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे एडवर्टाइजमेंट के अंदर भाग नहीं लेगा किसी ऐसे ड्रग की इफ द एडवर्टाइजमेंट कंटेन्स एनी फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग या फिर उसके ट्रू कैरेक्टर के बारे में या फिर वो फॉल्स और मिसलीडिंग ऑन एनी पर्टिकुलर मैटर है देन इन दैट केस दैट

पहली बार कन्विक्शन पर सजा कितनी है सिक्स मंथ तक की फाइन या फिर दोनों फाइन का अमाउंट मेंशन नहीं है डिपेंडिंग तो बड़ा इन टू ऑफिक्वेंट ईयर और विदिक्शन होती है सजा आपका कोर्ट ने गिल्टी करार माना है तब उस स्थिति के अंदर पनिशमेंट कितना है टू वन ईयर और फाइन और बोथ इसके साथ आपको एक चीज आगे और ध्यान देनी है कि कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस लॉ के वो सेक्शन नाइन एंड टेन है अगर कोई कंपनी इस एक्ट के अंदर ऑफेंस करती है तो उसके लिए कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा और जो उस कंपनी को लीड कर रहे हैं चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर ही क्यों नाउ इंप्रीजनमेंट वाला एस्पेक्ट उनके ऊपर लगेगा गिल्टी करार उनको माना जाएगा और इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं वो कैसे हैं कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल है द पुलिस हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वॉरंट अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्योंकि अभी तो अभी जब ऑफेंस हुआ है तब उस समय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही था तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगेगा हाँ अगर ये चीज एक जुलाई 2024 के बाद होगी तो आप क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह कौन सा लॉ हमारा अप्लाई होगा नया क्रिमिनल लॉ जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई एम ए का लीगल स्टांस है इस मैटर के ऊपर विद दिस हमारा आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है वो पूरा होता है आप बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा आपने क्या इस वीडियो से एक परसेंट भी कुछ सीखा है क्या आपकी की लर्निंग है जरूर बताइएगा और हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से अपनी जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे जुडिशरी और एपीओ के कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी एंड्रॉइड एप या फिर हमारी वेबसाइट से आज के इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आपको इस आज की पीडीएफ मिल जाएगा चले मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में थैंक यू